हेलो एवरीवन, मैं मानसी आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवा होम पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 3 BHK का फ्लैट जो पूरे 100 गज में बना हुआ है। आप लोगों की डिमांड पे, जैसे कि आप कहते हो कि आपको हमेशा न्यू फ्लैट चाहिए, पुराना फ्लैट नहीं चाहिए, तो ये फ्लैट अभी रेडी हुआ है, न्यू फ्लैट बना है। तो देरी ना करें आप भी, जो पूरे 100 गज में बना हुआ है। और फैसिलिटी की बात करूँ तो इसमें आपको पार्किंग की, लिफ्ट की फैसिलिटी मिल रही है, बिजली पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको, एंड इजली 90% आपको लोन तो हम करवा के ही देंगे। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो सिर्फ 300 से 400 मीटर की दूरी पे आपका उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन नवादा भी आपका नियर बाय पड़ता है। सब कुछ आपको पास में मिलने वाला है, मेन मार्केट आपको पास में मिलने वाला है, हॉस्पिटल आपको आपको जैसी भी सुविधाएं चाहिए सब आपको पास में मिलने वाली है। देरी किस बात की, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आप भी इसका प्राइस जानना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। चलिए अब हम देखते हैं ये फ्लैट को। सो आगे हम अपने फ्लैट की ओर तो देख रहे हैं कि आपका ये लिफ्ट एरिया रहेगा एंड ये स्टेयर एरिया। अब एंट्री करते हैं हम अपने लिविंग एरिया में। जो एंट्री करते ही हमारा लिविंग एरिया देखने को मिलता है, स्पेशियस सा लिविंग एरिया। अगर यहाँ पर आप एल शेप में सोफा भी डाल देंगे तो भी बहुत स्पेस रहने वाला है। एंड हवा देख रहे हैं कितनी अच्छी हवा आ रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन हम एक बार गेट बंद कर देते हैं और मैं आपको पहले घर दिखा देती हूँ पूरा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका स्प्लिट एसी के लिए स्पेस दिया हुआ है, सिर्फ आपको फिटिंग करवानी है। एंड वॉलपेपर देख रहे हैं, गोल्डन कलर का वॉलपेपर हॉल में कितना शाइन कर रहा है। टीवी पैनल के लिए आपको स्पेस दिया हुआ है और ड्रॉर्स भी दिए हुए हैं ताकि आप इसमें सामान रख सकते हैं। यहाँ पर वर्क देख सकते हैं कि वुडन का वर्क किया हुआ है। ऊपर देख सकते हैं ब्यूटीफुल सी फॉल सीलिंग, कितनी प्यारी लग रही है यहाँ पर फॉल सीलिंग वर्क। एंड आपको लैम्प तो झूमर तो दिख ही रहा होगा कि कितना शाइन कर रहा है। इसकी लाइटिंग जो चेंज हो रही है ब्लू पिंक कलर की, कितनी अच्छी लग रही है। और साथ में आपको लिविंग एरिया में दो दो फैन लगी हुई हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये लिविंग एरिया, स्पेशियस, सब बताइएगा जरूर। चलिए अब हम चलते हैं अपने किचन की ओर। सबसे पहले मैं आपको यहाँ का किचन दिखाना चाहूंगी कि कितना स्पेशियस किचन है, कितना आपको स्पेस दिया हुआ है किचन में। अगर दो तीन लेडीज, चार पांच लेडीज भी अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं खड़े होकर खाना बनाएंगी तो भी कोई कमी नहीं रहने वाली है स्पेस की। आप एंड सिंक देख सकते हैं कि नॉइस फ्री आपको सिंक मिल रही है। स्लैब का कलर देखेंगे कि कलर कितना अच्छा लग रहा है। ब्रांडेड हम चिमनी आपको लगा के दे रहे हैं कि आपको ये भी लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। और स्पेस देख सकते हैं, कैबिनेट देख सकते हैं कि कितने स्पेस है। और ऊपर की आप ब्यूटीफुल सी फॉल सीलिंग देख रहे हैं कि कितनी अच्छी लग रही है। एंड एक चीज़ आपको दिखी होगी, हैंगिंग लैम्प कितना अच्छा लग रहा है, जो किचन में भी आपको डेकोरेटेड आइटम मिल रही है कि इसलिए शोभा बढ़ाने के लिए आपके घर की, ताकि आप आए तो कहे कि वाह क्या घर है। जैसे मैंने आपको स्पेस दिखा दिया, स्पेस दिखाने की बात की तो मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ आपको पेंट्री दी हुई है, इतनी स्पेशियस सी पेंट्री कि आपका यहाँ पर भी सामान रख सकते हैं। तो स्पेस की आपको कमी नहीं रहने वाली है। अगर आपको लगता है कि हमारे फ्लैट में और भी कुछ प्रॉब्लम है या कुछ कमी रहती है तो हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की ओर। फुल्ली वेंटिलेटेड आपका हाउस है ये, एंड देख सकते हैं कि कितना सा सारा स्पेस है। बेड डल जाएगा अगर तो भी बहुत स्पेस रहने वाला है। वॉलपेपर देखेंगे कि बॉक्सी स्टाइल में, कि वॉलपेपर कितना अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ वॉलपेपर पे भी ना डेकोरेटेड जैसे लगाया हुआ आइटम, लैंप लगाया हुआ है ताकि अच्छा लगे। जैसे मैंने बताया फुल्ली वेंटिलेटेड है तो आपको विंडो लगाई हुई है, विंडो एसी के लिए भी स्पेस दिया हुआ है। स्पेस की बात कर रही हूँ तो आपका अलमीरा भी लेकर आने की जरूरत नहीं है घर पे, क्योंकि हमने यहाँ अलमीरा भी आपको लगा कर दी हुई है। और वो भी देखिए कि कितना स्पेस है, एक अलमीरा नहीं है, दो दो साइडेड आपकी अलमीरा है। ऊपर भी आपको अलमीरा दी हुई है।
सामने देखेंगे तो टीवी पैनल के लिए यहाँ पर भी स्पेस दिया हुआ है। नीचे आपको ड्रॉर्स दिए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सामान रखने में कि जगह कम है आपके लिए। अटैच आपको बालकनी दी हुई है इस रूम के साथ, और वो भी स्पेशियस सी बालकनी, ग्रिल्स लगी हुई है, चाय का मजा ले सकते हैं, वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं आप यहाँ पर। और एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगी, आप ऊपर देखिए कि यहाँ पर भी वुडन का वर्क किया हुआ है, टाइलें लगी हुई है एंड टू एंड। तो कैसा बना हुआ है हमारा ये फर्स्ट बेडरूम, अच्छा लगा होगा आपको। मैंने जैसे बताया कि आपको फुल जो आपका ये घर है शाइन करेगा, डेकोरेटेड है पूरा, इंटीरियर डिजाइन किया हुआ है, आप कहेंगे कि कितना अच्छा लग रहा है। चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम में। सेकंड बेडरूम में भी हमने कोई खूबसूरती की कमी नहीं छोड़ी है। यहाँ पर देख रहे हैं कि वॉलपेपर कितना अच्छा लग रहा है, लैंप लगा हुआ है, और मैं बता दूं आपको स्पेस कितना कि बेड डल जाएगा ना तो भी आपको बहुत स्पेस रहेगा, आराम से आप यहाँ पर वॉक कर सकते हैं। हमारा ये मास्टर बेडरूम है तो यहाँ पर वॉशरूम वगैरह भी है, मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। टाइलें लगी हुई हैं एंड टू एंड, सैनिटरी फिटिंग भी हम आपको करवा के दे रहे हैं कि आपको वो भी करवाने की जरूरत नहीं है। साइड में देखेंगे कि विंडो एसी के लिए स्पेस दिया हुआ है, विंडो लगाई हुई है, जैसे मैंने कहा कि वेंटिलेटेड है आपका ये हाउस। टीवी पैनल के लिए इस रूम में भी स्पेस दिया हुआ है कि आप इजीली टीवी स्टोर कर सकते हैं। नीचे ड्रॉर दिए हुए हैं सामान रखने के लिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे हम आप हमेशा आपके बारे में सोचते हैं, आई एम श्योर आप भी हमारे बारे में सोचेंगे। अगर आपको भी पसंद आ रहा है फ्लैट तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करेंगे। अब आप देखिए कि ऊपर की प्यारी सी फॉल सीलिंग देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लग रही है। नीचे आप टाइलें देख सकते हैं कि किस तरह से शाइन कर रही है। चलिए अब चलते हैं हम अपने थर्ड बेडरूम में। लेकिन थर्ड बेडरूम में जाने से पहले मैं आपको यहाँ का कॉमन वॉशरूम दिखाना चाहूंगी। सैनिटरी फिटिंग हम आपको करवा के दे रहे हैं, टाइलों का वक्त देख सकते हैं, एंड टू एंड टाइलें लगी हुई है, शाफ्ट लगी हुई है। चलिए अब चलते हैं हम अपने थर्ड बेडरूम में। थर्ड बेडरूम में एक चीज आपको एक्स्ट्रा भी मिल रही है कि आपको कुछ भी सामान लेके आने की जरूरत नहीं है। चिमनी हम आपको लगा के दे रहे हैं, अलमीरा आपको हम लगा के दे रहे हैं, और ड्रेसिंग टेबल भी आपको हम यहाँ पर लगा कर दे रहे हैं कि आपको ड्रेसिंग टेबल लेकर आने की भी जरूरत नहीं है कि मॉर्निंग में आप रेडी होंगे तो यहाँ पर खड़े होकर आराम से रेडी हो सकते हैं। और ये ओपन भी कर सकते हो कि आप अपने मेकअप के आइटम भी रख सकते हैं यहाँ। अलमीरा दी हुई है, देखिए आपको कितनी बड़ी अलमीरा है, ये कितनी स्पेशियस सी अलमीरा है, और वो भी ये तो आपको वन साइड दिखा, ये दूसरी साइड से भी ओपन होती है इतना स्पेस के साथ। ऊपर भी आपको अलमीरा दी हुई है, और स्पेस की बात की है तो देखिए कि इस रूम में भी अब कई बार क्या होता है कि थर्ड रूम हम छोटा सा बना जाते हैं, फर्स्ट सेकंड रूम बड़ा सा दिखता है, लेकिन ये भी आपको रूम कितना बड़ा है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि स्पेशियस है तो स्पेशियस फ्लैट दिख ही रहा है। एंड वॉलपेपर देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, ब्राउन ग्रे से कलर का कॉम्बिनेशन। इस रूम में आपको स्प्लिट एसी के लिए स्पेस दिया हुआ है। लैंप देख सकते हैं आप यहाँ पर कि लैंप हमने आपको लगा कर दिया है। ऊपर ब्यूटीफुल सी फॉल सीलिंग देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा फुल्ली वेंटिलेटेड है तो आपको यहाँ शाफ्ट लगा के दी हुई है। कैसा लगा आपको हमारा ये 3 BHK का शानदार सा फ्लैट? मुझे पता है कि बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि हम आप लोगों के लिए लेके ही ऐसे फ्लैट आते हैं कि आप भी कहें कि क्या फ्लैट है। अगर आप भी देख रहे हैं 1 BHK, 2 BHK के, 3 BHK के या 4 BHK के फ्लैट तो हमें कॉल करना ना भूले, विजिट करना ऑफिस में ना भूले, इससे पहले कि यह फ्लैट भी सेल हो जाए और आप कहें कि हाय काश मैं खरीद लेता। तो ऐसे सोच ना रखिएगा और हमें कॉल करिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।